बिल्कुल इंटर होते ही जी साथ भी आइए, शाही इमाम है। वेलकम बैक, ये मेरी उसी वीडियो का तीसरा पार्ट है जो मैंने पहले बनाई थी। मैंने दिल्ली गेट को बेसिकली तीन हिस्सों में तकसीम किया। पहला जो मेरा हिस्सा था वो दिल्ली गेट का इंटीरियर था, सारा मैंने आपको दिखाया। उसके बाद वजीरखान मस्जिद मैंने डिटेल से बताई। आज बेसिकली मेरा जो पॉइंट है वो शाही इमाम है। शाही इमाम की मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूँ तो बादशाह ने बेसिकली अपने नहाने के लिए एक सेटअप लगाया था, अपने और अपने वजीरों के, और जो नीचे हमला था अंदर क्या क्या सीन है, कैसी कैसी बिल्डिंग है, क्या उन्होंने जो है वो कदीमी चीज़ें रखी हुई हैं, वो सारा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। उसके अलावा आज अगर माहौल की बात करें तो आज दिल्ली गेट का साजी चासी बनाया पे है। सड़क देखो बगियां खलोतियां, पूरा शशकला माहौल है, लगता है कि बादशाह मैं ही आया, मेरा ही होना है। तो ये है माहौल, चलते हैं, चल के चेक करते हैं क्या सीन है। तो अंदर इन हुआ दिल्ली गेट के तो मुझे थोड़ी भूख महसूस हुई, चने वाला खान मिल गया। मैं चने थोड़े बना के आप जरा खट्टे वाले चने खाते हैं, नाल चने इंजॉय करा नाल शाही मामा। तीन चने जो ना ये देखें नमक के अंदर लाई आ रहे, अल्लाह खैर ही करे, बहुत नमक ना चाढ़िए खावे तो फिर पता लगे कि खान भाई जरा बड़े प्यारे हैं हमारे भाई। उन्होंने कहा जी मैं बना के देता हूँ प्यारे से हाथों से, मुस्कुराते हो चने तो बड़े म्यारी लग रहे हैं, अब ये खाएंगे तो बात चलेगा। खान साहब क्या करते हैं, लेवल कराते हैं कि रोज कई बेच ने मिक्स कर दी थी, अल्लाह ने गर्म ना भी हल्की गर्म कर रहा है। हम जो ना कम ओके होना थोड़ा जहा खा के। खान भाई इंडिया के तो नहीं है, ये पाकिस्तान के हैं ये चने, स्वाद इंडिया से। अच्छा तो जी खान साहब कह रहे हैं स्वाद से आते हैं, जो इंडिया वाला स्वाद है उधर से, क्योंकि दिल्ली गेट आया ना मैं तो हर चीज इंडिया दी है। चने ले लिए हैं, चलते हैं चने खाते हैं और साथ एंजॉय करते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शाही इमाम की मेन एंट्रेंस पे। मेन एंट्रेंस आप देख सकते हैं कितना बड़ी वीआईपी तरह से बनाई हुई है। अंदर साथ ही जो एंटर होते ही जो एक टिकट घर बनाया हुआ है, और जो सारी ये देखें इन्होंने प्लेसमेंट की हुई है, जो डिफरेंट फॉरनर्स आते हैं यहाँ पे आकर जो विजिट करते हैं तो उनकी एक याददाश्त के तौर पर तस्वीरें लगाई हुई हैं, किस तरह से वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं और जो तारीखी चीज़ें हैं कैसे उन्हें देखते हैं। तवाल की ये टाइमिंग लिखी गई है कि तवाल जो है ये किस किस टाइम यहाँ पे आके जो है ये वो करते हैं सारा अपना निज़ाम। उसके अलावा बाकी जो अंदर फर्स्ट ग्लैंस जो पड़ती है शाही इमाम, वो क्या खूबसूरत मंजर है कि सारा उन्होंने एक जो है ये कोठरी टाइप बनाया हुआ है और बड़ा ही वीआईपी। टिकट लेते हैं, टिकट लेकर चलते हैं अंदर। बहुत ही खूबसूरत जी बिल्डिंग बनाई हुई है शाही इमाम की, इनके जी नक्शकारी की हुई है बहुत ही आउट क्लास, बहुत ही स्टैंडर्ड की। बेसिकली एक तालाब है जिसके बिच ना अपने जोड़े बादशाह सी वो इत सिटिंग करते कॉर्नर से बैठ के जरा अपना सिस्टम करते नहाने हों। दोस्तों आ जड़े ने पुरानी तहजीब के जड़े ना उन्होंने एक छोटे छोटे जे मुजस्मे जे बनाए हुए हैं कि जोड़े वो लोग यूज करते सी। अभी देख सकते कि मिट्टी के छोटे छोटे जे जिमें बर्तन ने जोड़े यूज करते सी, या उन्होंने एक जी कदीमी चीज़ा ने वो मतलब इतने एक डेकोरेशन के हिसाब ना लगाई हुई ने देखा जा सकता कि बहुत खूबसूरत तरीके। बेसिकली ये सकाफत ही है ना जी उन्होंने संभाल के रखी हुई है इतने, कि मतलब लोग अगर आते हैं विजिटर आते हैं फॉरनर या चाहे पाकिस्तानी
तो आके देख सकन जी साढ़े जड़े पहले गुजरे लोग किस किस तरह की चीज़ें यूज करते से की उन्होंने सकाफत से। ये था शाही इमाम का विजिट, मैंने आपको सारा दिखाया कि अंदर क्या 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 सीन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा देख के मंदिर जो अंदर क्या है वो अच्छा लगा होगा और ये सकाफत देख के आपके दिल को खुशी हुई होगी। हम कुछ खाने का प्रोग्राम करते हैं, तुम्हें तो पता है मेरी वीडियो के लिए खाना भी लाजमी होता है। पंजाबी बंदे हैं, बंदा रोटी ना खावे तो फिर वीडियो बनाने का मज़ा भी नहीं आता। तो चलने देसी या मोहल्ला अपने चल के खाने का खाना। शाही इमाम देखने के बाद मेरा एक बड़ा ही प्यारा दोस्त है जो कि ब्लॉगर है, तो उसने कहा यार क्यों ना कंबाइन एक डिश खाई जाए। तो आज मैंने सोचा यार सुरजन सिंह गली के अंदर एक उस्मान की बैठक है, उसके बड़े चर्चे हैं, तो वहाँ पे खाना खाएंगे अपने उस बड़े प्यारे दोस्त के साथ। तो उनका इंतजार करते हुए मुझे काफ़ी देर हो गई है। यहाँ पे मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि सिख बरादरी से हैं, उन्होंने मुझे अपनी जो एक शॉप है उनकी कॉस्मेटिक की, यहाँ पे मुझे मैं उनसे मिला और बड़ा उन्होंने मुझे तावन किया है। तो आए आपको उनसे बुलाते हैं और आप थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और अपने व्यूअर्स से शेयर करते हैं। बड़े प्यारे भाई हैं बलजीत सिंह, इनके पास मैं आज आया हूँ, तो उन्होंने बड़ा मेरे साथ तावन किया। भाई शुक्रिया आपका, आपने जो है वो हमारी एक जो इस जगह की जो है ना, मतलब ये जगह प्रेजेंट करती है जो हमारा पहले कल्चर था जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, जो सिख बरादरी का मुस्लिम बरादरी का कल्चर था, जो पुराना रिवाज था, वो ये जगह को प्रेजेंट करती है। और ये भाई यहाँ पे मिले हैं तो मेरा दिल खुश हो गया है कि यार ये भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। इवन के दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ इस तरह से है कि एक दूसरे का हिस्सा है, तो यहाँ पे इनसे मिलकर इनकी दुकान पर आए मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मजीद हम पूछते हैं बलजीत भाई से इनके क्या व्यूज़ हैं इस बात के हवाले से जो मैंने किया। तो सर आप जरा अपना मुझे बताएं कि आपका क्या मतलब व्यूज़ हैं जो इस बात के हवाले से कि हमारा कंबाइंड कल्चर था वो कैसा था, आप किस तरह देखते हैं इस बात को? सर हमारा जो कल्चर है बहुत बेहतरीन, दुनिया में के बेहतरीन कल्चर्स में से एक कल्चर है। प्रेजेंट करता है सिखों और मुस्लिम की आपस की भाईचारे को। और ये आप आए दिल्ली गेट, दिल्ली दरवाजे, ये मिस्टर सिंह की शॉप के बिल्कुल सामने सुरजन सिंह की गली है। यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ का कल्चर बेहतरीन, लोग बड़े प्यारे और प्यार करने वाले लोग हैं, बिल्कुल घर वाला माहौल फील होता है यहाँ पे। हमें काशिफ भाई हैं ये जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं सिखों और मुस्लिम को, सिखों और मुस्लिम की दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए और पुराने सकाफत को दोबारा जिंदा करने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। देखें जी बलजीत भाई, मेरा भी यही कहना है कि यार यहाँ पे आके बिलीव करें, मुझे जो है बड़ा अच्छा और बड़ा वीआईपी महसूस होता है कि यार हमारी पुरानी सकाफत, पुराना कल्चर है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है, उसको छोड़ने का दिल नहीं करता। इनसे मिला हूँ, इनसे मिलके मुझे इनकी इन्होंने जो चाहत दी है, जो प्यार दिया है, वो भी बहुत लेवल है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। फाइनली जो है मैं सुरजन सिंह गली पे खड़ा हूँ, अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, तो अंदर चलते हैं आसमान की बैठक पे जाकर बैठ के वेट करते हैं। फाइनली हम हैं जी उस्मान की बैठक पे, तो व्यूज़ आप देख सकते हैं क्या लेवल है जी। उस्मान की बैठक पे पहुंच गए हैं जी, तो हूँ जरा सानू इतने फिलहाल करना पैना इंतज़ार। ये उस्मान की बैठक का जो इंटीरियर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा कि बड़ा ही वीआईपी है, कि यहाँ पर उन्होंने जो तर्ज अपनाया ना अंदर का वो बहुत ही लेवल है। चीज़ें रखी हैं वो भी उन्होंने वही सकाफत को मद्देनजर रखते हुए रखी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको एलैबोरेट किया हुआ है। तो अगर आप देखें कि ये मतलब सारी जो है इन्होंने वो पुरानी तर्ज की चीज़ें और जो जो याददाश्त है इस गली के हवाले से और इस बैठक के हवाले से वो यहाँ पे दिखाई गई है और बहुत ही लेवल है। हाँ जी आसिफ साहब, सर किधर रहे हैं? आप तो मुझे जो ना वेट करवा करवा के बड़ा परेशान कर दिया है।
मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा यार ये व्लॉग में कंबाइन होना है, तो भाई अभी तक आए नहीं है, तो मैं तो आपकी याद में सर शेर-ओ-शायरी करता रहा हूँ। और मैंने बड़ा ये भी शेर भी याद किया है भाई के लिए, ना जाने की दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते यार। फाइनली अब मिल गए हैं, तो दसो खाना की है की ऑर्डर करिए ਤੁਹਾਡੇ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਟੂਰਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਰ। ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਾਫਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਮਿੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰੀ ਪੁਖਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੈਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਰੈ ਜਲੇਬੀ ਜਲੇਬੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਲੇਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਟੇਸਟ ਖੁਦ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿੱਠਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣੀ ਜਲੇਬੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈਗੀ ਜੀ ਬਰਫੀ। ਅਸੀਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ ਚਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਇਲਾਚੀ ਵਾਲੀ, ਇਲਾਚੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਫੀ ਹੈ, ਬਰਫੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਮੌਲ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਖੂਬਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਦੀਮ ਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਆਸੂ ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਥਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਕੇ ਸਾਥ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਕਾ ਯਹੀ ਸੀਨ ਥਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਉਸਮਾਨ ਕੀ ਬੈਠਕ ਜੋ ਹੈ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਸਭ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੜੀ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੈ ਗਲੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਕੀ ਗਲੀਓ ਮੇਂ ਸੇ ਗਲੀ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀ ਕੋ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਮੈਨਿਊ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਟਰਾਈ ਕੀਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਚਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਬਰਤਨ ਮੇਂ ਚਾਹ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਬਰਤਨ ਸਰ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਬਰਫੀ, ਤੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਲਨੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਇਸਕੋ ਆਰਡਰ ਕੀਆ ਹੈ। ਆਪ ਜਬ ਵੀ ਆਏ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਦੋਸਤੋ ਆਏ ਔਰ ਖਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।